एवरीवन हाउ आर यू गाइस डूइंग जस्ट लेट मी नो बिलो इन कमेंट बॉक्स। तो आज ना ये डिसाइड किया था मैंने सुबह उठने के बाद कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी सारे काम ख़त्म करने हैं। इनफैक्ट खाना वगैरह भी जल्दी बना दिया है क्योंकि 1 बजे एग्जैक्टली मेरा राउंड टेबल है और ये राउंड टेबल है यूट्यूब के साथ। मैं दिखाती हूँ आपको क्या बना है। तो यहाँ पर आलू की रस्से वाली सब्जी, उसी के साथ आज का प्लान ये है कि ये जो मेरी बालकनी है हॉल वाली, यहाँ पर एक दिवाली के लिए कंदील तो लगा दिया, जैसे कि मैंने कल के या आप जो भी व्लॉग मुझे मेरे रेगुलरली देखते हैं उसमें तो आपने देखा ही होगा। बट अभी मुझे ये वाला जो एरिया है जो आपको दिख रहा है बाहर की तरफ, इसे पूरी तरह से नीट एंड क्लीन करना है। और काफ़ी सारी डेकोरेशन के आइटम्स आ रखे हैं यहाँ पर सोफे के पीछे, उसे मुझे वहाँ पर लगाना है। तो वो सब करेंगे। बिफोर दैट लेट मी जॉइन माई राउंड टेबल सेशन। सो बस 3 मिनट रह गए हैं और ज्वाइन करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। या हाय इशिता, कैन यू हियर मी? यस, आई कैन हियर यू नाउ। हाउ आर यू गर्ल, व्हाट्स बीन अप, हाउ वाज योर वीक? फॉर नथिंग स्पेशल। और has it been hectic, busy, have you been caught up with things? It's because of setup, especially for those who have to help out in the house and you know get things done. So I'm actually glad that things are working out for you. Yeah, right. So let's talk about the shorts, your thoughts on it and how we can you know better help support that. So I think we'll give another 2 minutes to see if more people join in. हो गया तुम्हारा शॉर्ट्स का राउंड टेबल? हाँ हो गया। तो चलो मैं जाके आता हूँ, कुछ सामान आई है। ठीक है, आ गई है क्या? हाँ, मास्क पहन लेता हूँ। अच्छा पहले ये तो लगा लो जो मैं आपको बता रही थी। अच्छा हाँ, मैं तो भूल गया। सो ये मैंने राज को क्या लगाने के लिए दिया है ये चलिए मैं आपको बता दूँ। फैमिली के हर एक मेंबर की जो हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी है, इसलिए मैं हमेशा मेक श्योर कर रही हूँ आज के दिन में कि अगर मेरे फैमिली से कोई भी बाहर जाता है तो वो इस्तेमाल करे क्लेंस्टा का जर्म एंड वायरस प्रोटेक्शन वाला ये लोशन। और ये लोशन इसलिए क्योंकि बाहर है कोविड। क्लेस्टा का ये जो लोशन है वर्ल्ड फर्स्ट FDA अप्रूवल प्रिवेंटिव केयर ऑफ COVID-19 है। 24 आवर्स तक प्रोटेक्शन देता है फेस, बॉडी एंड हैंड्स को फ्रॉम COVID-19। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से एक्सट्रैक्ट करके बना है। ये लोशन मेक श्योर करता है कि जो वायरस है वो परमानेंटली इनएक्टिव हो जाए, अल्टीमेटली प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इलनेस एंड इन्फेक्शन। सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, नो अल्कोहल, पैराबिन, ग्लूटेन एंड सोडियम लॉरियल सल्फेट। वर्ल्ड का फर्स्ट पैप टेक्नोलॉजी इंजीनियर पेटेंट सॉल्यूशन है। इस लोशन को लगाना बहुत आसान है, इसे लेना है हाथों पर और इवनली उस एरिया में लगाना है त्वचा के जो कि डायरेक्टली एक्सपोज होने वाला है। 15 से 20 मिनट पहले ही लगाना है जब भी बाहर जाना हो। इसे 8-8 घंटे के देरी पर 3 बार लगा सकते हैं। ये ऑलराउंड प्रोटेक्शन देगा, किल करता है 99.9% ऑफ जर्म्स। इसी के साथ ये प्रोटेक्शन देता है जर्मिसिडाइल से, बैक्टेरिसिडाइल से एंड फंगिसिडाइल से। ऑल्सो इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द स्क्रीन फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ UVA एंड UVB। सो ओवरऑल वी आर गेटिंग इंस्टेंट मॉइस्चराइजेशन एंड प्रोटेक्शन। सो सिंपली बाहर जाने के 15 से 20 मिनट पहले क्लेस्टा के जर्म एंड वायरस प्रोटेक्शन वाले इस लोशन को जरूर लगाना है जो कि इफेक्टिव प्रिवेंटिव अगेंस्ट COVID-19 है। इसकी परचेस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। यहाँ पर जो मैं हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर रही हूँ राज के लिए वो है क्लेंस्टा का इंस्टेंट हैंड सैनिटाइज़र जो कि किल करता है 99.99% ऑफ जर्म्स। ये क्विकली एंड इफेक्टिवली ड्राई हो जाता है। ये मॉइस्चराइज करता है स्किन को, बिल्कुल भी इरिटेशन या ड्राइनेस नहीं देता। ये पूरी तरह से जर्म्स प्रोटेक्शन देता है हाथों को एनी टाइम एनी वेयर। और इतना ही नहीं, बिना पानी के भी आप बहुत अच्छे से अपने हाथों को साफ कर सकते हैं। और ये हर तरह के जो वायरसेस होते हैं, जर्म्स होते हैं, उनसे हमें एक बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन देता है। हैंड हाइजीन के लिए ये परफेक्ट है। इसकी भी परचेस लिंक मैं नीचे दे दूंगी जो कि आपको बीमारियों से एंड वायरसेस से काफ़ी दूर रखेगा। अनिका बनाया है दो यस, अनिका कंदील बना रही है।
और बचपन में मैंने तो बहुत कंदील बनाए हैं। एवरी ईयर स्कूल में दिवाली से पहले हम लोगों से कंदील ही बनवाए जाते थे, और हम लोग हमारे क्लासरूम को कंदील जो होते हैं, यहाँ पर पिक्चर मेंशन कर दूंगी इनकेस अगर आपको नहीं पता है, तो बड़ा हमने बनाया है कंदील। डेकोरेट करते हैं। तो अनिका इस साल बना रही है राइट? पर इस साल अभी हम लोग लंच के बाद तुरंत ही लगने वाले हैं, और अनिका बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। मैंने कभी नहीं देखा पिछले 12 साल में इसको ऐसा कुछ भी बनाते हुए। नहीं, स्कूल की बात चल रही है, ये बात स्कूल की है गाइस। स्कूल के जो लोग महाराष्ट्र के मुंबई के स्कूल से पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि दिवाली से पहले हर एक स्टूडेंट को कम से कम एक कंदील तो बनाना ही पड़ता है। बड़े क्लास में नहीं, 8th 9th मिलता था क्या? नहीं, वो एक क्लास से जाना रहता था, सो हॉलीडे से पहले एक कंदील सब लोग लगा देते थे। और सबसे अच्छी बात ये होती थी कि जब हम लोग बड़े हो गए तब ये सब नहीं होना होता था। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड तक तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। नमक गाइस गाइस, मैं आपको बहुत ही फनी चीज़ बताने वाली हूँ। एक दिन हमारा कोई तो फेस्टिवल चला था, पता नहीं हमारे स्कूल में कुछ तो चल रहा था, पर मैं सेकंड स्टैंडर्ड में हूँ शायद, फर्स्ट सेकंड। उसमें पता नहीं ना, हमारे खिड़की में ऐसा जाला तो नहीं लगा रहता है ना, जाली जैसे खिड़की में, हमारी खिड़की में लगी हुई है। सारे बच्चे एकदम डरे हुए थे। आपने बहुत दिन पहले मेरे को बताई थी, मैं सुनते सुनते बोल हो गया। कौन? तुमने? मैंने कब बताया था? वो भी अभी अनिका फोर्थ स्टैंडर्ड में है, ये सेकंड स्टैंडर्ड की कहानी आज इसको याद आई है। मेरे को बता चुके। मुझे नहीं बताई थी, आज बताया। और जैसे कि मैं आपको खाना दिखा चुकी हूँ कि आज खाने में क्या बना, चलिए हम लोग इंजॉय कर लेते हैं अपना खाना। तो सबसे पहले तो ये वाला सारा सामान खाली करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये वैक्यूम क्लीनर भी यहीं पर रखा था। सो मेरे घर में ना काफ़ी ज़्यादा सफाई हो गई यही कोने को छोड़कर। मुझे यहाँ पर पिछले साल के दिए मिल गए हैं, ये देखिए पिछले साल के दिए। तो अच्छा हुआ कि मैंने इन्हें फेंका नहीं था। इस साल मुझे दिए खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे भी हम लोगों ने प्लान किया था कि बाहर कम से कम जाएंगे, और इस साल का तो माहौल ही अलग है, आपको पता ही है। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। अच्छे से धुल गया है, और ये एक्स्ट्रा मंदिर है जो हमें इस घर के साथ मिला था, पर हमें ओपन मंदिर अच्छा लगता है इसलिए उस मंदिर को हमने रख दिया है। तो ये डब्बा मैं लेकर आई हूँ सारे टी लाइट्स को रखने के लिए, क्योंकि मुझे कैंडल्स पसंद है तो टी लाइट भी काफ़ी हो जाती है। तो ऐसे रखने से अच्छा है कि मैं इन्हें इस तरह से डब्बे में रखूँ, सो ईजी टू कभी भी इस्तेमाल करना हो जाएगा। ये दिखने में अच्छा भी नहीं लग रहा है, ऐसे फेंका हुआ लग रहा है, डब्बे में रहेगा तो थोड़ा सा बेटर भी लगेगा। तो एक डब्बा तो खोला भी नहीं है, इसको निकाल लेती हूँ। ओह गिर गए। तो सारे टी लाइट्स इसमें आ गए हैं, मेरे पास और 100 है, उनका पैकेट मैं अभी नहीं खोलूँगी, जब ये ख़त्म हो जाएगा तब खोलूँगी। तो अब वहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से मैं लगाती हूँ। तो मैं लेकर आ गई हूँ और एक बास्केट, ये देखिए इसमें अब मैं रखूँगी, दिखाती हूँ, मेरा वैक्यूम क्लीनर जिसके छोटे छोटे काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जो यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं। सो ये बेस्ट हो जाएगा कि अब सारी चीज़ें मैं एक ही जगह रखूँ। इसे मैं रोज़ रोज़ तो नहीं इस्तेमाल करती हूँ, पर है बड़ी काम की चीज़। और ये वायरलेस है, बेस्ट पार्ट ये वायरलेस है।
तो अब ये जो फेक फ्लावर्स है इन्हें मैं यहाँ पर लगाऊंगी, जो कि बालकनी में एक अच्छा लुक देगा। तो काफ़ी मेहनत लग गई उस हिस्से को साफ करने में, डस्ट भी काफ़ी थी। काफ़ी पहले से तो बेटर लग रहा है। अब ये सारा जो कचरा यहाँ पर जमा हो गया, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये सब मैं बाहर डाल देती हूँ। यहाँ पर रखने का कोई मतलब नहीं है, और बाहर की तरफ इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस है कि आपको मैं दिख रही हूँ कि नहीं। तो उस बालकनी का पूरी तरह से अभी हुआ नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास और भी कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैंने ये ना मंगवाया था, ये देखिए अच्छा दिख रहा है ना काफ़ी, तो इसे मैं वहाँ पर लगाने वाली हूँ, जिससे उस बालकनी में काफ़ी और नेचुरल सा लुक आएगा। क्योंकि मैं जो मनी प्लांट लगा रही हूँ वो मेरे हिसाब से तो पलते बढ़ते ही नहीं हो, उन्हें जिधर जिस डायरेक्शन में जाना है उधर जाते हैं। सो मुझे इसलिए ये चाहिए था कि एटलीस्ट ये तो मेरा काम मानेंगे, मैं जिधर इन्हें लेकर जाऊँगी वहीं पर ये जाएंगे, ये फेक है आप समझ ही गए होंगे। तो इसलिए मैं इसे इस्तेमाल करूँगी, और आई थिंक आप मेरे रेगुलर ब्लॉग्स में इसे देख पाएंगे, नेक्स्ट ब्लॉग में आप देख पाएंगे कि मैं किस तरह से इस बालकनी को सजाया है। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा बाकी और काम ख़त्म करने, मेनली जो मैंने नीचे फेंका है ना वो मुझे ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए अनिका ने कंदील उसका बना दिया है जिसके बारे में वो बात कर रही थी, काफ़ी कलरफुल और अच्छा लग रहा है। इसमें बस थोड़े मिरर वगैरह लगाने हैं, पर अभी हमारे पास है नहीं, वरना ये और अच्छा दिखता, नीचे सपोर्ट ज़्यादा नहीं है। तो इसको लगाने की तो जिम्मेदारी राज की है, देखते हैं राज कहाँ लगाएंगे। अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। तो चलिए फिर ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तो इस तरह से हमारी ये जो दिवाली की प्रिपरेशंस है क्लीनिंग के साथ ही चालू हुई है, और आने वाले ब्लॉग्स में आपको पता चलेगा कि क्या क्या और बनता है, क्या बनने वाला है सर। अभी क्या है कि मैंने बहुत सारी क्लीनिंग की थी, आप लोग को पता है, अभी ये लड़की खोज खोज के निकाल रही कहाँ पे क्लीनिंग नहीं हुई है और फिर मेरी टांग खिंचाई कर रही। कोई बात नहीं, देखते रहते हैं आगे कितने ब्लॉक्स में आप लोग को टांग खिंचाई देखती है, तब तक एंजॉय करो। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।